नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा किले में बाबा महामृत्युंजय का मंदिर जो संभवतः पूरे देश में एक है। रीवा महाराजाओं की राजधानी पहले बांधवगढ़ हुआ करती थी। बाद में 1617 में रीवा स्थित किला बनकर तैयार हुआ। बीहड़ और बिछिया नदी के संगम स्थल पर आज जहां रीवा किला है पहले टापू हुआ करता था। राजा के आदेश पर टापू की खुदाई की गई, जहां से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग जो सहस्त्र नेत्र वाले हैं निकलते हैं। उसी दिन यानी 1604 में उस स्थान पर मंदिर निर्माण होता था, जो कि पूरे देश में स्थित शिवलिंगों से अलग था। तब से लेकर आज तक बाबा महामृत्युंजय का मंदिर लगभग 400 वर्ष से स्थित है, जहां भक्तों की अपार आस्था है और यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। देश विदेश में बाबा के लाखों भक्त हैं जो उन पर गहरी आस्था रखते हैं और यहां आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है, यश वैभव की प्राप्ति होती है। बाबा महामृत्युंजय के जाप और उच्चारण से मौत सहित लाइलाज रोगों से मुक्ति मिलती है। यहां वर्ष भर कथा और भंडारा चलता रहता है। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। कब से आ रही हैं आप लोग, कैसी आस्था है भोले बाबा पे? बहुत अच्छी आस्था है, हमें आते हुए 50 साल का अंतर हो गया। कैसा लगा आपको आके यहाँ? बहुत अच्छा लगा। कोई मन्नतें जो पूरी हुई? आप दर्शन करने आए हैं? हाँ, दर्शन करने आए हैं हम मृत्युंजय बाबा के। कब से आ रहे हैं? आज ही आए हैं, वो मेन मेन दिन आते हैं। कैसी आस्था है आपकी भोले बाबा को? भोले बाबा को तो अच्छा। कुछ मांगा आपने घर परिवार के लिए, कुछ इच्छा? उनसे क्या मांगेंगे, क्या हम वो करने वाले, उनके शरण में गिरते हैं बस आके। क्या नाम है आपका और आपके द्वारा भंडारा किया जा रहा है, कब से किया जा रहा है, क्या आस्था है आपकी? महेंद्र प्रताप सिंह पप्पू नाइन नाम है मेरा। भंडारा प्रथमा वर्ष 5 साल से यहाँ भंडारा कंटिन्यू हो रहा, श्रावण से पहले सोमवार। भगवान भोलेनाथ पे कैसी आस्था आपकी, क्या? भोलेनाथ की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा है मेरे ऊपर, बहुत बड़ी असीम अनुकंपा। किस तरह का भंडारा रहता है आपका? ये भंडारा सुबह 4 साल तो करीबन 7 बजे सुबह चालू होता, आज 5:41 पर भंडारा चालू कर दिया हूँ। बाबा कब तक चलाता है ये बाबा जाने। कितने भक्तों को आपने मतलब भंडारे प्रसाद का वितरण होता है? अब कम से कम ये मान के चलिए कि अभी 5-5.5 हज़ार भक्तों को प्रसाद वितरित किया जा चुका है। क्या है प्रसाद में? प्रसाद में है बूंदी है और पूरी है। ठीक है जी। महाराज जी बताइए, आज काफ़ी भीड़ है मंदिर में। हाँ, आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए बहुत भीड़ है। 11 बजे से भक्तों की भीड़ लग गई है और भगवान का अभिषेक पूजा शुरू है और यहाँ सब दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और अपनी अपनी कामना सिद्ध कर रहे हैं, कामना पूर्ण कर रहे हैं। क्या इतिहास रहा इस मंदिर का? इस मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है। ये सहस्र नेत्रधारी महामृत्युंजय भगवान है, ये इकलौते भगवान हैं यहाँ। ये विश्व में ऐसी मूर्ति नहीं है। कैसी स्थापना हुई थी यहाँ इनकी? इनकी स्थापना महाराजाओं द्वारा की गई है और अनाथ काल से चल रही है। यहाँ प्रभु की यहाँ मान्यता है और सब पूजा पाठ होता है, अभिषेक होता है और सब यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है, देते हैं जाते हैं। लोग की मान्यताएँ भी पूरी होती हैं? हाँ, ऐसे मान्यताएँ पूरी होती है। ये श्रीफल से अर्जी लगती है, एक अर्जी अपने लगाते हैं और सबकी कामना पूरी होती है। ठीक।